लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जगह ठीक है, फर्स्ट क्लास। भाई साहब, मैं दोस्ती हाथ बढ़ा था। चला जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ ले, कूद जाना। ओके, जा। मेरे दोस्ती, मेरा प्यार, तेरी दोस्ती, मेरा प्यार। अरे भाई साहब, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। अरे ये तो अपना दोस्त नहीं है। रोड पर सब शांत। सॉरी यार, सॉरी। हेलो पुलिस, हेलो। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता। चलो, आप मेरी पूरी बात सुन ही नहीं रहे इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है इंस्पेक्टर साहब। वो मुझसे पूछ रहे थे कि कोचिंग का माल किसने पकड़वाया, गोवा के गोदामों की खबर पुलिस को किसने दी। अब मुझे क्या मालूम, ना मैं कभी गोवा गया था ना कोचिंग। ठहरो, कल तुम जहां गए थे हमें वाले आ सकते हो? यही है वो कमरा इंस्पेक्टर साहब। क्या मैं आपसे कुछ मदद कर सकता हूँ? यही है वो आदमी। क्यों नरोत्तम जोहरी साहब, पहचाना आपको? बिल्कुल नहीं, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ इनको। अच्छा अच्छा, कौन है आप? पुलिस को देखते ही याददाश्त गायब हो गई आपकी। क्या बात है इंस्पेक्टर? इनका कहना है कि कल रात आप इन्हें यहां लेकर आए और मारने की कोशिश की। इन्हें मारने की? क्या कह रहे हैं आप? कल तो यहां कोई था ही नहीं। मैं खुद दिल्ली में नहीं, बंबई में था, बंबई में। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। झूठ? आप प्लेन का टिकट खुद ही देख लीजिएगा। आज सुबह आया हूं, देखिए। नरोत्तम जौहरी, मिस्टर मल्होत्रा। तसल्ली हुई? कोनियक? चलिए मान लिया कि मैं इनसे मिला नहीं, इस हॉल में आया नहीं, तो फिर मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि यहाँ क्या क्या है? क्या क्या है? एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब। यहाँ शराब की बोतलें रखी हुई हैं। इन्हें बोतलें नजर आ रही हैं। जरा इसकी जांच तो कीजिए। सवेरे सवेरे पी तो नहीं रखी? इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, आप तो रोज ही देखते होंगे कि मुजरिम कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करे, वो कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। कल रात इनका हाथ जख्मी हो गया था, निशान अब तक हुआ। देखिए कहां है निशान। इंस्पेक्टर साहब,
इसे किसी पागल खाने में भर्ती कीजिए। नरोत्तम जोहरी, मैं तुम्हें मल्होत्रा छोड़ देता हूं, इसी में अकलमंदी है। चलो। देख लिया तेरे सपूत ने खानदान का क्या नाम रोशन किया है, इसकी करतूत कहां से कहां पहुंच गई है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जेल। भगवान न करे भैया, ऐसा न कहो, इत्मीनान से खाने तो दो मेरे बेटे को। हाँ, खिला और खिला अपने दादले को। अरे इसने तो मुझे कच्चा ही खा डाला। प्रोविडेंट फंड की रकम देकर जमानत पर छुड़ा कर लाया हूँ, और अब वकील का खर्चा, कोर्ट का खर्चा, और चक्कर पर चक्कर लगाने पर भी कोई गारंटी नहीं कि छूट ही जाएगा, और नहीं छूटा तो 6 महीने के लिए अंदर। एक बार जेल गया तो समझ लो खानदान के माथे पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। हेलो, कमल मल्होत्रा जी बोल रहा हूँ। जिस मुसीबत में तुम फंस गए हो उससे तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है, असली कमल मल्होत्रा, जो इस वक्त होटल कॉन्टिनेंटल रूम नंबर 229 में मौजूद है। मगर आप ये सब मेरे बारे में कैसे जानते हैं, कौन है आप? होटल कॉन्टिनेंटल रूम नंबर 229। मिस्टर मल्होत्रा, कोई है? कमल मल्होत्रा, हम अंदर आ सकता है जी? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? कैसे नहीं मालूम होगा जी, ये कमरा आप ही के नाम रजिस्टर है जी। हाँ करेक्ट, तुमने इस कमरे में किसी और को देखा तो नहीं? कैसे देखता जी, बाहर साइन लगा था डू नॉट डिस्टर्ब, अब हम आ गए सब साफ कर देगा जी। अभी नहीं, तुम बाद में आना। हर काम बाद में, हर काम बाद में, ऐसा होगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा जी। हेलो। अच्छा तो कमल मल्होत्रा साहब आप कमरे में हैं? कौन हो तुम? कितने अफसोस की बात है, आपने हमारी आवाज नहीं पहचानी, मगर हम आपकी आवाज पहचान गए। नरोत्तम जोहरी। चलिए, खादिम को पहचान तो लिया। जनाब, कल आप हमारे मेहमान थे, आज हम आपके मेहमान बनने जा रहे हैं। जौहरी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मैं वो कमल मल्होत्रा नहीं हूं। जी हाँ जी हाँ, आप वो कमल मल्होत्रा नहीं है। हाँ, ये बात और है कि आप कमल मल्होत्रा के रूम से, कमल मल्होत्रा के फोन से, कमल मल्होत्रा की आवाज में बात कर रहे हैं। भला आप कमल मल्होत्रा कैसे हो सकते हैं? हेलो हेलो हेलो, अभी तो कमरा साफ कर सकता है जी। ये सब क्या करता है जी, दरवाजा टूट जाएगा जी। वो बहुत खतरनाक मुजरिम है। हाँ, ये ले चाबी।
पता नीचे भाग गया है। तुम लिफ्ट से जाओ, तुम सीढ़ी से जाओ। तो मरे, चलो मेरे साथ।